कैसे हैं आप? आज हम जो खासकर क्लास 11th में आते हैं या आपका 12th के बाद में है, कॉलेजों में जाते हैं, उनके बारे में है। उनको सब्जेक्ट के लेकर, उनके जो स्ट्रीम को लेकर के है, जो बहुत सारी चिंताएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। आदमी का लक्ष्य क्या है? और सच बात तो यह है कि अधिकांश लोगों की शुरुआत है वो यहीं से होती है कि उन्हें अपना लक्ष्य नहीं पता होता। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, हमारी तो मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। पहली बात कि आपके लक्ष्य, दूसरे हैं कि वो लक्ष्य आपके उपयुक्त होने चाहिए, आपकी क्षमताओं के, अपनी सामर्थ्य के अनुसार होने चाहिए। आप देखते हैं क्लास 11th में जो लोग आए हैं या आपका 12th के बाद हैं जो कॉलेजों में गए हैं, आप देखते हैं आपके उस सारे बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, उनमें से आपको चुनना होता है। और उसे चुनने के खेल में दो तरह के लोग आपके सामने होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपके सामने निराशाओं का जाल फैला देते हैं और वो कह सकते हैं कि अमुक सब्जेक्ट में है, अमुक स्ट्रीम में है, कहाँ कोई भविष्य है वो सुरक्षित है। आप देखिएगा, यदि भविष्य सुरक्षित है वो सभी में है। वो ऐसे वो लोग होते हैं जो उन्होंने अपने अधूरे मन से है वो तैयारी की, या आपकी सुनी सुनाई बातों के आधार पर है अपना डिसीजन है आपके ऊपर थोप देते हैं। कई बार है हमारे जो पेरेंट्स हैं साइंस को है उसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा कि आपका थोड़ी समय का दुख है वो लंबे समय तक सुख में परिवर्तित होता है, और थोड़ी समय की खुशी है वो लंबे समय तक दुख में परिवर्तित होता है। आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं। मैं इस जगह पर आपको कहना चाहूँगा, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को बदलिए, सब बदले बदले नज़र आएंगे, सब बदले बदले नज़र आएंगे। देखिए, बच्चों के भविष्य को हर कोई उज्जवल चाहता है, कौन नहीं चाहता है? आप देखेंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, आप इतने सक्षम ना हो, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में है उनको पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चों से जुड़े हुए सपने सभी के एक जैसे होते हैं। हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा है वो आपका अच्छे जगह पर है, सक्सेस हो, अच्छी सफलताएँ उसे मिलें। तथा साथ ही साथ है, मैं इसमें जगह पर यह कहना चाहूँगा कि जो आपके विषय जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के आधार पर आपका ले लीजिए। जैसे मैं उसकी जगह पर कहूँ, जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है जो मेरी ज़िंदगी में एक साल चलती है, दो साल चलती है, मैं अपनी पसंद से, अपनी नाप से पहनता हूँ, लेकिन जिसके आधार पर मेरी पूरी ज़िंदगी चलनी होती है, यदि मैं औरों के पसंद के आधार पर अगर करूँगा तो बताइए ज़िंदगी जीने का मज़ा कैसे आएगा। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारी अच्छी परसेंट आ गई, तो अच्छे परसेंट आ जाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 98% तक होते हैं लेकिन वो आपके सफल नहीं हो पाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर अच्छी परसेंट आने का कारण है कि जो भविष्य में या सॉरी जिन्होंने अपने जीवन में कम गलतियाँ की हैं वो आपका अच्छे परसेंट ले आते हैं, तथा जिन्होंने गलतियाँ अधिक की हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। आप देखते होंगे IAS आपका PCS में जिनके 50-60% होते हैं, आप देखिए सक्सेस रेशो बहुत अधिक होता है, क्योंकि उनमें चाहत होती है कि हमने बहुत कम आता है और उसके चक्कर में वो अच्छा से पढ़ते हैं और आप अधिक सक्सेस पाते हैं। और जो आपका 90+ होते हैं, आप देखेंगे उनमें ये घमंड आ जाता है कि हमें तो सब कुछ आता है, और वही है दिक्कत है, वो हमें ले डूबती है। दूसरी चीज़ है, आप इस सब्जेक्ट चयन के बारे में कहूँगा कि आप देखते होंगे 3 Idiots आपने आमिर खान की देखी, उसमें क्या बताया? आपका यही बताया है कि आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर काम करिए, हो सकता है आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन सफलता में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और जब सेटिस्फेक्शन होगा तो जॉब, एक जॉब से दूसरे जॉब में आप भागने की कोशिश करेंगे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी से कि अपने बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके है काम कीजिए, कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राह कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। जय हिंद, जय भारत।